अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मजे में भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही हम लोग सुबह उठे हैं, बल्कि रात में भी उठे थे, आधी रात में भी इसको दवाई देने के लिए डॉक्टर आई थी, फिर फजर की नमाज के टाइम पे उठा था मैं, अल्हम्दुलिल्लाह फजर यहाँ पे पड़ी। इसके बाद फिर अभी तकरीबन 10:30 बज रहे हैं, डॉक्टर आई जो कि स्पेशलिस्ट आती हैं सुबह मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये बेहतर है, अब आप इसकी छुट्टी हो गई है, आप इसको घर लेके जा सकते हैं। तो अल्लाह पाक का बहुत करम है, आप लोगों की बहुत दुआएं, जजाकअल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद अहमद घर चलने के लिए तैयार है? आप तैयार हैं? चले अल्हम्दुलिल्लाह। 3-4 दिन अभी भी लगेंगे रिकवरी होने में, लेकिन इतनी बेहतर हो गई तबीयत कि आप जो है ना घर पे लेके जा सकते हैं। तो बस अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं भाई, सारी चीजें पैकअप वैकअप करते हैं और घर ले जाने की तैयारी करते हैं। मोहम्मद अहमद को पता था कि आज जो है ना इसने घर चले जाना है, तो इसने कल ही जो अपनी सारी गाड़ियां मैंने यहाँ पे सजा के रखी थी ना, सबको जो है ना डबल शॉपर में पैक करके रख दिया था, है ना मोहम्मद अहमद? मोहम्मद अहमद 2 दिन से बोल रहा है ये निकालो ये निकालो, अभी निकाल देंगे, ठीक है निकाल देना है ना, अभी इससे जान छूट जाएगी इंशाल्लाह। अबू जी आपका वेट कर रहे हैं, मम्मू आपका वेट कर रही हैं, भैया वेट कर रहा है, आपकी साइकिल आपका वेट कर रही है। मोहम्मद अहमद देखो आपकी सारी गाड़ियां जो है ना हमने इसके अंदर डाल दी, ठीक है ये देखो। इतने सारे बिस्किट जो है आपके भाई ने नहीं खरीदे, ये जाहिर सी बात है दोस्त वगैरह मिलने के लिए आते थे तो कुछ ना कुछ बिस्किट वगैरह लेके आते थे। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये हॉस्पिटल के कपड़े उतर गए हैं और अब ये इंशाल्लाह अपने कपड़े पहन के घर जाएगा। और ये अस्थीन नहीं जाएगी जब तक कि कैनोला नहीं उतरता, चलें पहले ये उतरवाते हैं। मैं जो है ना डिस्चार्ज की पूरा प्रोसेस करवाता हूँ, सही है बेगम, और आप मीनवाइल जो है ना सारी तैयारी करें। मोहम्मद अहमद ने कहा कि मैं नाश्ता करूंगा ना तो बाहर बैठ के करूंगा, तो ये देखें भाई यहाँ पे ले आए हैं और यहाँ पे नाश्ता करेंगे, यहाँ पे कर लोगे ना मोहम्मद अहमद नाश्ता? वेरी गुड, ये लो मोहम्मद अहमद ये आपका नाश्ता है, ठीक है जी, चलें बेगम स्टार्ट करें इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालने पाउंड डालने हल्का सा, डालो डालो डालो, सही मोहम्मद अहमद ने शुगर लगाया हुआ है यहाँ पे पानी के बाद। अच्छा दूसरा पाउंड डालना है, डाल दिया। मोहम्मद अहमद ने बोला मेरी गाड़ी सारे लेके आओ, मतलब सारी गाड़ियाँ लेके आओ, यहाँ पे मैंने खेलना है। ये आ गई भाई मोहम्मद अहमद की गाड़ी और यहाँ से चलाता हूँ डायरेक्ट उसके पास जाएगी ना, ये देखे ये आ गई मोहम्मद अहमद की गाड़ी। कौन सी वाली चाहिए? येलो वाली चाहिए, रिमोट वाली? अच्छा भाई वो वाली चाहिए। भंड हो गया, इसका स्विच जो है ना कल ऑन ही रह गया था और इसके सेल वेल जो है ना ये देखिए खत्म हो गई, ये देखिए रिमोट के तो सेल है लेकिन ये ना गाड़ी नहीं चल रही, अब इसको मनाना पड़ेगा। भाई मोहम्मद अहमद के साथ मैं यहीं पे बाहर बैठा हुआ था तो मुतीब से मेरी मुलाकात हुई, कैसे हो आप? आप तबीयत कैसी है आपकी? काफी दिनों से यहाँ पे, कितने दिन से यहाँ पे? 40 डेज से यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन अब माशाल्लाह रिकवरी है और तबीयत में बेहतरी है, अब जल्दी घर जाने वाले हैं ना इंशाल्लाह। चलें आप लोग खुसूसी दुआ कीजिएगा इनके लिए भी और भी तमाम पेशेंट्स के लिए दुआ कीजिएगा। ये देखें भाई मोहम्मद अहमद जो है ना गाड़ी चलाने लगा है और ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी डिस्चार्ज हो गया है, बस फैमिली को पिक करने जा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाथ दिखाओ, निकाल दिया कैनोला? वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़ी स्वेलिंग है ना इसके ऊपर। भाई निकलते निकलते लंच का ही टाइम हो गया तो लंच की मील भी आ गई, देखें ये जो है ना फ्राइड फिश आई है, ये अभी मैं मोहम्मद अहमद को खिलाता हूँ, ठीक है जी, और इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं तो ये जो है ना हम खाना खिला देते हैं। वाओ आपको पेस्ट्री अच्छी लगती है ना, पेस्ट्री भी आई है। फाइनली वी आर लिविंग फॉर होम अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अहमद आपको आज़ादी मिल गई, अच्छा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 3 दिन बाद तकरीबन घर वाले इंतजार कर रहे हैं, मोहम्मद अहमद को मिलवाते हैं घर वालों से इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह देखें आते के साथ ही जो ना अपनी साइकिल का डाला चेक कर रहा है कि इसमें क्या रखा हुआ है। भाई घर आते के साथ ही जो है ना पंगा हो गया। अब्दुल कबीर ने बोला कि मोहम्मद अहमद के पास ये नई वाली गाड़ी कहाँ से आई, मुझे भी चाहिए। मैंने बोला अच्छा ये वाली गाड़ी आप छोड़ दो, अभी जो है ना हम आपको, आप खाना खा लो फिर लेके चलता हूँ, आपको दिला देता हूँ, ठीक है? हमें तो पता ही नहीं था मोहम्मद अहमद की ये गाड़ी ड्रिफ्टिंग भी करती है, ये देखे ओए होए 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 जबरदस्त। मोहम्मद अहमद पूरे 3 दिन बाद जो है ना अपने घर पे अपने बेड पे वापस आया, देखे टीवी देख रहा है अपना। भाई पहले तो जो है ना मोहम्मद अहमद अपनी अम्मा के पास भी सो जाया करता था, लेकिन आज बोला था नहीं अप्पा आप ही सुला दो, अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अहमद को सुला दिया है, अब्दुल कबीर पहले ही सो चुका है और इस वक्त रात के 10:15 बज रहे हैं, टाइट वाली कोई भूख लगी हुई क्योंकि आज घर में कुछ खाने के लिए आए नहीं, तो बाहर चलते हैं कुछ खा पी के आते हैं। देखो आपस की बात है, आपको जेलेसी तो नहीं हो रही है मोहम्मद अहमद अप्पा अप्पा कर रहा है, अम्मा अम्मा नहीं कर रहा है, बताए हो रही है ना, अरे जेलेसी हो रही है। भाई बेगम थकी हुई थी, बहन आई जस्ट अभी अभी घर में, मैंने बहन को ही पकड़ लिया, मैंने बोला चलो बाहर चलते हैं कुछ खापा शापा करके आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 2-3 मिनट वेट करना पड़ेगा जब तक गाड़ी गर्म हो जाए। अब आपका भाई ये सोच रहा है कि क्या खाएं, समझ नहीं आ रहा, भूख लगी है लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि क्या खाना चाहिए।
भाई बादरावा से गुजरते गुजरते कोई चीज तो जो है ना समझ आ ही जाएगी कि हमें क्या खाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपके भाई को जिस लेवल की भूख लगी है ना, दिल कर रहा है कि डाइटिंग को दो मिनट के लिए भुला दूं, सही है, और खो जाऊं किसी खाने पीने की चीज में, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मतलब सिर्फ आपके भाई को भूख नहीं लगी हुई है, देखे ये लोग कितने लोग जो है ना स्ट्रीट फूड खाने के लिए आए, देखे यहाँ से लेके ट्रैफिक जाम है, ये देखे यहाँ पे सारी खाने पीने की दुकानें पूरी चौरंगी पे है। मतलब अनार चेक करें, ऐसे लग रहा है अनार नहीं बॉल है, कैसे चमक रहे हैं यार, मतलब जबरदस्त डिस्प्ले है भाई। मतलब स्ट्रीट फूड की वैरायटी चेक करें आप, ये देखें कैसे कैसे खूबसूरत कार्ड बनाए हुए हैं भाई, खापे शापे का फुल सीन है यहाँ पे। पिछले आधे घंटे से आपका भाई घूम रहा है लेकिन कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या खाऊं, लेकिन अब मैंने माइंड बना लिया बारबेक्यू खा लेते हैं। चिकन रेशमी कबाब नहीं है और मलाई बोटी भी नहीं है, वाह भाई वाह, दस्तरखान भी आया यार आज तो जबरदस्त हो गया। ये तो सऊदीया की यादें ताज़ा हो गई बिल्कुल सफरे की तरह, ये हमने बिछा लिया भाई, ठीक है जी, फुल माहौल बन गया मतलब। और ये आ गया भाई टिशू, ठीक है जी, और ये क्या आ गया, अच्छा जी ये जो है ना स्टार्टर्स आ गए हमारे आज के, इसको हम कहाँ रखते हैं, यहाँ रख देते हैं, ठीक है जी, बस अल्लाह करे गिरे नहीं चटनी। ये आ गया भाई पहला आइटम बीफ सीख कबाब, चलें जी बिस्मिल्लाह करें, आसरा बिल्कुल भी नहीं करना, ये लें आप पकड़ें भाई, गर्मा गर्म है, ये देखें धुआं देखें आप चेक करें। मतलब मैं बीफ नहीं खाता हूँ सही है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन चख लेते हैं बिस्मिल्लाह। जबरदस्त भाई। और ये आ गया आपके भाई का सेटअप, चिकन टिक्का आ गया, चिकन टिक्का, ओए होए होए बहुत गर्म है भाई। चलें जी ये आ गया भाई अपना टिक्का, ठीक है, और टिक्के को जो है ना हम लोग चटनी में डिबोएंगे, सही से नहलाएंगे पहले, ये देखा, आए हाय 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 हाय, मजा ही आ गया, जो भूख और जो क्रेविंग हो रही थी ना वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई। कैसा था भाई खाना, कैसा था, बेहतरीन था ना, वाइफ के लिए जो है ना यहीं से पार्सल करा लेते हैं। अब एक निवाला पता है कैसा बनाएंगे हम, ये देखें भाई ये आ गई चिकन की बोटी, ठीक है जी, और ये आ गया भाई इसके साथ खीरा, और अब इन दोनों को जो है ना चटनी में नहला देते हैं, ठीक है जी, ये आ गया भाई, अब खा के देखते हैं कैसा लग रहा है। VIP सेटअप, बेगम ने कहा फोन पे कि मुझे बारबेक्यू नहीं खाना, मुझे बंद कबाब खाना है, तो बंद कबाब ले लिए भाई। भाई अब सीन ये है कि रात के इस वक्त 12:30 बज चुके हैं, ठीक है, तो अब आराम करते हैं, आप लोग भी आराम करें, चिल करें, अगले व्लॉग में मिलते हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपका भाई जाएगा मोहम्मद अहमद के पास और ऐसे पकड़ के हक करके इंशाल्लाह सो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।